Hello everyone. Today we have Mr. Kumar Gaurav sir. He is the faculty of Oxford Business College, Patna. Thank you sir for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, sir, would you like to tell few words about yourself? Sir, आपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे आप? Good morning. मैं अपने बारे में, मेरा नाम गौरव सर हुआ और मैं ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में अभी मैं फैकल्टी हूँ. लेकिन मैं जर्नी एक ऐसे स्टार्ट हुआ जो मैं बता रहा हूँ. मैं सैनिक स्कूल नवोदय ये सब का प्रिपरेशन करने के बाद मैंने 10th RPA से किया और 12th मैंने कोटा रेजिडेंस का मैं स्टूडेंट हूँ. उसके बाद मैं NIT पटना से BTEC हूँ. उसके बाद मैंने MBA किया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से और अभी मैं नेट का एग्जाम देने के बाद और अभी मैं फैकल्टी हूँ ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में. फाइनली मेरे को टीचिंग में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही मेरी रुचि अपना रहता है. इसलिए मैं इस प्रोफेशन को ज़्यादा मैं चुनता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सर, बीइंग द फैकल्टी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज, What are your roles and responsibilities toward the student? आपके कार्य और आपकी भागीदारी क्या रहती है एक स्टूडेंट के लाइफ में? सबसे पहले ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज का मैं फैकल्टी हूँ तो मैं इंजीनियर सुधांशु कुमार सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सारे गाइडलाइंस करते हैं और मैं बच्चों को जो भी नॉलेज देता हूँ मैं बच्चों को बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज में देता हूँ. मेरा पढ़ाने का ही बिल्कुल जो अंदाज है मैं एग्जांपल्स के साथ में और मार्केट्स में बिल्कुल अपडेट में रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं मैनेजमेंट का मैं फैकल्टी हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कैसे हर एक चीज को मैनेज करें. पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिए थ्योरेटिकल पोर्शन है किसी भी तरीके से हो गया. मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज को वो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारे तभी पढ़ने का कोई मतलब है. क्योंकि जितनी भी सब्जेक्ट है सबको जब तक वो रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं. तो मैं इसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और फाइनली इसके बाद जो है मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ यहाँ पे. तो मैं बच्चों को प्लेसमेंट के लिए मैं फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना उनके लिए स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके. 100% यहाँ से ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज से प्लेसमेंट है. बच्चों को प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं है क्योंकि जितने भी फैकल्टी हैं बहुत उनके लिए मेहनत करते हैं, है ना, उनको से भी मेहनत करवाते हैं. यही हमारा है. ओके सर. सर, व्हाट वैल्यूएबल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट फॉर देयर प्रॉस्पेरियस करियर अहेड? चलिए, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि स्टूडेंट जितने भी हैं सभी लोग अभी लर्निंग स्टेज में. तो बच्चे जब आते हैं बिल्कुल हमारे कॉलेज में बहुत दूर से तो भूल जाते हैं रियली में उनकी. मैं सबसे पहले पढ़ाई का मैं स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ किस तरीके से आप रूटीन में ढले. सबसे पहले आप रूटीन को फॉलो अप करें किस तरीके से आपके पापा मम्मी किसी भी तरीके से पैसे को जुगाड़ करके यहाँ पे भेजे हैं. ठीक है, तो आप पढ़ाई में किस तरीके से आप परफेक्ट बन सको, आप कैसे आप अच्छा कर सको. मैं बच्चों को हमेशा मैं एडवाइस देता हूँ और मैं कहता हूँ कि रूटीन को आप फॉलो अप कीजिए और मैं हमेशा उनको बेहतर अच्छी तरीके से मैं उनको पढ़ाता हूँ. सर, आप जैसे जानते हैं कि बाहर कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है तो आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं ताकि वो उस हाई कंपटीशन में कम्पीट कर सके अदर बच्चों के साथ? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों को मैं मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ तो सबसे पहले मैं उनको सिखाता हूँ किस तरीके से आप प्रॉपर वे में हर एक चीज को आप मैनेज कर सको. सबसे पहला चीज है तभी आप बाहर के कंपटीशन को आप अच्छे से फेस कर सकते हो. आज इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि बच्चों को हर एक चीज मैनेज करके सबसे पहले उनको टाइम मैनेजमेंट में सिखाता हूँ बच्चों को. अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अगर आप बेहतर कर गए तो आप हर एक चीज में आप अच्छा कर जाओगे. इसलिए हर एक स्टूडेंट को मैं पहला ये चीज सिखाता हूँ. उसके मैं प्रॉपर तरीके से मैं उनको पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो और इंटरव्यू के लिए मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस पर्सनैलिटी बेस्ड होना चाहिए ये सारा चीज मैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस में देता हूँ. ये सारे गाइडलाइंस के बाद उनको मैं रेगुलर फॉलो अप करने के लिए मैं रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ बच्चों के साथ. तो वो प्रॉपर एक बहुत अच्छा बन जाते हैं और वो फाइनली मेरे को उम्मीद है कि एक दिन वो
कंपटीशन के लिए बहुत बेहतर कर जाएंगे और अच्छा कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू सर।